गुड मॉर्निंग भैया बहनों, आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आप सबके लिए बहुत बहुत मंगलमय हो। नए साल में पहले वीडियो भेज रही हूँ, इसको ध्यान से पढ़िए। देखिए, सुभाषित है, ये परीक्षा में हमेशा आते हैं, लिखने के लिए भी आते हैं और श्लोक पूरा करने के लिए भी आते हैं। इनका अर्थ भी आता है, इसमें से प्रश्न उत्तर भी आते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको पूरा नहीं पढ़ाऊंगी, केवल दो सुभाषित पढ़ाऊंगी। उन दोनों को ध्यान से सुनिए, फिर स्वयं बोलिए और तभी आपको याद होंगे। और अर्थ भी है उसका, अर्थ और सुभाषित कॉपी पर अपने लिख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, अपनी किताब खोल लीजिए, नहीं तो इसी में पढ़िए। देखिए, ना त्वं कामये राज्यम न स्वर्गम न अपुनर्भवम कामये दुख तत्तानाम प्राणीनाम अर्थी नाशनम। एक बार पुनः सुनो, ना त्वं कामये राज्यम न स्वर्गम न अपुनर्भवम कामये दुख तत्तानाम प्राणीनाम अर्थी नाशनम। क्या है, कहते हैं कि ना तो मैं राज्य की कामना करता हूँ, ना तू अहम कामये राज्य, ना तो मैं राज्य की कामना करता हूँ, ना स्वर्गम ना स्वर्ग की कामना करता हूँ, और ना अपुनर्भवम और ना ही मोक्ष की कामना करता हूँ। कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम अर्थी नाशनम, मैं दुख तप्ता नाम दुख से पीड़ित प्राणी नाम प्राणियों के अर्थी नाशनम दुख के नाश की कामये कामना करता हूँ। ना तो मैं राज्य की कामना करता हूँ, ना स्वर्ग की कामना करता हूँ, अपुनर्भव पुनः ना होना अर्थात मोक्ष की कामना नहीं करता हूँ। मैं दुखों से पीड़ित प्राणियों के दुखों के नाश की कामना करता हूँ। दूसरा श्लोक है, छायां अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वमातपे फलान्यपि परार्थाये वृक्षा सत्पुरुषा इव। पुनः देखो और आप भी बोलो, छायां अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वमातपे फलान्यपि परार्थाये वृक्षा सत्पुरुषा इव। छायां अन्यस्य कुर्वन्ति, अन्यस्य माने दूसरों की छायां, छाया कुर्वन्ति करते हैं, दूसरों की छाया करते हैं। तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, स्वयं खुद आतपे धूप में तिष्ठन्ति रहते हैं, खुद धूप में रहते हैं और दूसरों को छाया करते हैं। फलान्यपि परार्थाय फल भी, फलान्यपि फल भी परार्थाय परोपकार के लिए होते हैं। वृक्षा सत्पुरुषाई, वृक्ष पेड़ पौधे सत्पुरुषों सज्जनों की तरह होते हैं, जैसे सज्जन लोग होते हैं उनका सब कुछ दूसरों के लिए होता है, उसी तरह वृक्षों का भी सब कुछ दूसरों के लिए होता है। क्यों, क्योंकि वो धूप में स्वयं तो धूप में रहते हैं, दूसरों को छाया देते हैं, फल भी जो लगते हैं वो दूसरों के लिए होते हैं, अतः वृक्ष सज्जन पुरुषों की तरह होती हैं। हो गया।